सत्संग में भगदड़ के मामले में पुलिस ने नारायण साकार विश्व हरि के 6 सेवेदारों को गिरफ्तार कर लिया। कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे बाबा होते हैं जिनके लिए लोग अपनी जान को जोखिम में भी डाल देते हैं, जैसा कि हाथरस में हुआ। अब सवाल यह है कि हाथरस मुख्य जो आरोपी है, जिस बाबा का सत्संग सुनने के लिए लोग वहां पहुंचते थे, आखिर उसकी गिरफ्तारी कब होगी। भारत@9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बीते दिनों हुई हाथरस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हाथरस की जो घटना है वो कोई सुनियोजित घटना नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं कहा जाए कि पूरी प्लानिंग थी हत्या की। ऐसा मिसले कह रहे हैं क्योंकि अब तक इस घटना में 124 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और गंभीर रूप से घायल 50 से ज्यादा हैं। अब ये सुनियोजित क्यों है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 50 से 80 हजार की भीड़ वहां पर जा सकती थी, लेकिन 2.5 लाख तक लोग वहां पहुंच गए। इसके अलावा जो बाबा है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, पुलिस कहीं ना कहीं इस पर हाथ डालने से डर रही है या फिर बचाने की कोशिश है, इसका राजनीतिकरण भी बखूबी हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर 124 मौतों का जिम्मेदार कौन है। सत्संग में भगदड़ के मामले में पुलिस ने नारायण साकार विश्व हरि के 6 सेवेदारों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 4 पुरुष 2 महिलाएं शामिल है। अलीगढ़ IG शैला माथुर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ये सभी आयोजन समिति के सदस्य हैं और सेवादार के रूप में काम करते थे। ये लोग भगदड़ मचने के समय मौके से भाग गए थे। साथ ही ये भी बताया गया कि मुख्य आरोपी प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा रहा है। हम बचपन से अक्सर किसी ना किसी बाबा के बारे में सुनते आए हैं, आपने भी जरूर सुना होगा। राम रहीम, आशा राम, तमाम ऐसे बाबा हैं, अभी बागेश्वर बाबा भी काफी ज्यादा फेमस हुए थे, जिनके बारे में सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक चर्चे हैं। इनका दखल किसी ना किसी रूप में हमारे सभ्य समाज में रहा है पहले से ही और आज भी है। और पिछले 2 दशक में ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आई है जहां पर किसी ना किसी बाबा, मौलवी, पादरी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घटनाओं में शामिल हो रहे हैं। आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि क्या ऐसे बाबा सिर्फ हमारे ही देश में होते हैं कि विदेशों में भी होते हैं। तो आज आपको मैं बता देती हूं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे बाबा होते हैं जिनके लिए लोग अपनी जान को जोखिम में भी डाल देते हैं, जैसा कि हाथरस में हुआ। विदेशों में भी ऐसे बाबा होते हैं, उनके अनुयायी उनके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। एक ऐसी घटना का आज मैं जिक्र करने जा रही हूं, ये घटना है अमेरिका की। अमेरिका महाशक्ति, सशक्त उस देश की ये बात है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। 8 नवंबर 1978 के दिन पीपल्स टेंपल पंथ के बाबा जिम जोनस के साथ 909 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। सभी भक्तों को जहर के जरिए खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया गया। इसे बाद में नरसंहार कहा गया। यह हादसा लानिति अमेरिकी देश गुयाना में हुआ। बाबा ने अमेरिका से भागकर गुयाना के सुनसान इलाके जोन्स टाउन में बने एक कॉम्यून बनाया था। कई अनुयायियों को बंदूक की नोक पर जहर का इंजेक्शन दिया गया। मरने वालों में 1/3 बच्चे थे। जिम जोन्स ने ईसाइयों का एक पंथ बनाया था जिसे नाम दिया पीपल्स टेंपल। खुद को उसने करिश्माई बाबा के तौर पर स्थापित किया, पेश किया। इस पंथ की शुरुआत 1950 के दशक में इंडिया पोलिस में हुई। चूंकि बाबा खुद को नक्सलवाद विरोधी कहता था, लिहाजा उसके पंथ से जुड़ने वालों में बड़े पैमाने पर अश्वेत अमेरिकी थे। 1965 में वो अपने कम्यून को उत्तरी कैलिफोर्निया ले गया, लेकिन जब उस पर वित्तीय धोखाधड़ी, अनुयायियों के शारीरिक शोषण और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगने लगे तो आलोचना के बाद वो अनुयायियों के साथ अमेरिका छोड़कर पड़ोसी देश गुयाना चला गया। वहां उसने कॉम्यून बनाया, यहां पर वो अनुयायियों से खेती कराता था। बाहरी दुनिया में इस कॉम्यून को शानदार जगह के तौर पर प्रचारित किया गया। बाबा यही अनुयायियों के साथ रहने लगा। उसने गुयाना के एक जंगली इलाके में बड़ा कॉम्यून बना लिया था। संस्था के सदस्यों को खेतों में लंबा काम करना पड़ता था। बाबा और उसके खास लोग वहां आराम से शानदार जिंदगी गुजार रहे थे। अगर कोई अनुयायी बाबा पर सवाल उठाते तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता, पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता, उनके घर भेजे जाने वाले पत्रों को सेंसर कर दिया जाता।
अनुयायियों को देर रात तक चलने वाली बैठकों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता था। ये बाबा न केवल मानसिक तौर पर विक्षिप्त होने लगा था बल्कि खूब नशा भी करने लगा था। उसे डर होने लगा था कि जल्द ही अमेरिकी सरकार उसे पकड़ लेगी। तब उसने अनुयायियों को स्वर्ग का सपना दिखाना शुरू कर दिया। मंदिर के सदस्य को आधी रात में नकली खुदकुशी का आभास कराया जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि जल्द ही हम लोग सभी एक साथ स्वर्ग जाएंगे। इस बीच में जब कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक अमेरिकी कांग्रेसी लियो रयान को जब बाबा के फार्म हाउस की शिकायतें मिली तो वो अपने लोगों के साथ 17 नवंबर 1978 में जॉन्सटाउन पहुंचा। उनके सामने बाबा के कुछ अनुयायियों ने फार्म हाउस में होने वाली गलत बातों की शिकायत की। उन्हें वहां से निकालने की गुहार लगाई। रयान ने तय किया कि वो अपने साथ पंथ के कुछ लोगों को लेकर अमेरिका जाएगा। बाबा जोनस इससे परेशान हो गया। उसने चार्टर्ड विमान पर चढ़ने के दौरान ही कांग्रेसी रयान और अन्य लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई, सभी मारे गए। इसके बाद बाबा ने फार्म हाउस में आकर सभी को मुख्य मंडप में इकट्ठा होने के लिए कहा। उसने कहा कि आज के दिन स्वर्ग जाने के लिए सबसे अच्छा दिन है, लिहाजा सभी अनुयायियों को स्वर्गारोहण की तैयारी करने को कहा गया। कुछ तो इस पर तैयार थे लेकिन कुछ नहीं। पहले बच्चों को पेरेंट्स के जरिए ही जहर मिला जूस पिलाने को मजबूर कर दिया गया। फिर बड़ों को लाइन में खड़ा करके साइनाइड का इंजेक्शन दिया गया। जिसने मना किया उसे बाबा के सशस्त्र गार्डों ने जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया। बाबा जोन्स ने खुद जहर नहीं पिया बल्कि उसे गोली से मारा गया। अनुमान लगाया गया कि उसने अपने ही किसी सुरक्षा गार्ड को उसे गोली मारने के लिए कहा गया। ओलेड रोड्स, जो इस हादसे में बचे अकेले शख्स थे, उन्होंने नरसंहार के कुछ दिनों बाद वॉशिंगटन पोस्ट को बताया। शुरुआत बच्चों से की गई। साइनाइड के घातक साबित होने में लगभग 5 मिनट लगे। बच्चे सीख रहे थे, चीख रहे थे और फिर मरने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि यह कहकर जहर पिलाया गया था कि यह केवल अभ्यास है। जब गुयाना के अधिकारी अगले दिन जोन्सटाउन परिसर में पहुंचे तो उन्होंने वहां सैकड़ों शव पड़े देखे। कई लोग एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। हालांकि खुदकुशी से इस फार्म हाउस के कुछ अनुयायी बच गए क्योंकि वो किसी तरह वहां से जंगल में भागने में सफल रहे। अमेरिका में इसे जोन्सटाउन नरसंहार के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिकी इतिहास में सबसे भीषण सामूहिक हत्याकांडों में एक था। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि बाबा सिर्फ यहां नहीं, बाबा पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसे निशान छोड़कर गए हैं इतिहास में या अभी, जिनके पीछे सैकड़ों या तो समर्थक है या फिर उन्हें जबरन समर्थक बना दिया जाता है और फिर इस तरह से उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाता है। अब सवाल यह है कि हाथरस मुख्य जो आरोपी है, जिस बाबा का सत्संग सुनने के लिए लोग वहां पहुंचते थे, आखिर उसकी गिरफ्तारी कब होगी? एट 9 में इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।